ये देखिए परिंदों के पिंजरे में बिल्ली बैठे, अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन परिंदों को डराते हैं। देखिए देखो यहाँ से मैं भगाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और ये दरख्त में रेंगने काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं, पता नहीं ये रेड रेड चीज़ क्या चीज़ है, ये कहते हैं। और ये देखिए नीचे भी कितना गिरा हुआ है, कितना शौक से कहते हैं। ये देखिए सारा खाली कर दिया। काफ़ी ज़्यादा आते हैं रेंगने, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी लेके आते हैं। ये देखिए और भी आ गया, ये देखिए बैठ गया। और ये है भी छोटा बेबी है मेरा ख्याल में, रेंगने का छोटा बेबी। अभी मैं थोड़ा नज़दीक लेके आएगा, ये देखिए तो मैं भी जो नीचे गिराया इधर से उठाएगा, लेकिन इसमें तो है भी नहीं यार। दरख्त में देखते हैं, ये तो फुल पक्का हुआ है, ये थोड़ा सा ग्रीन वाला ये भी लेके जाएगा, देखते कौन सा कहता है। जो नीचे गिरा हुआ है तो मैं भी ये अपना परिंदों के लिए लेके जाएगा। ये देखिए सारा झाड़ से गिरा दिया, काफ़ी ज़्यादा रेंगने का आता है ये खाने के लिए, तो मैं भी अपना पैरेट के लिए लेके जाएगा। देखते कहते ही नहीं कहते, तो मैं भी थोड़ा ट्राई करेगा। अच्छा है, मज़े का है, थोड़ा थोड़ा स्वीट है, तो मैं भी अपना परिंदों के लिए डालेगा, इसलिए तो रेंगने का आते हैं इनका खाने के लिए। तो इधर से देगा, देखते हैं अगर खाएगा तो। झाड़ बिल्कुल भरा हुआ है ये चीज़ से, ले लो जी, आ गया ये देखिए, ये खाएगा मेरा ख्याल में। ये देखे माशाल्लाह ये भी शौक से खाते हैं। ये देखे ये देखिए कितना शौक से लगा हुआ है। अच्छा जी, अभी जाएगा नया स्कूल में और इंशाल्लाह कुछ देर के बाद फिर मिलेंगे। स्कूल आ गया लेकिन चाबी भूल गया। अभी ये बैग में रस्सी डाल के स्कूल के अंदर डालेगा। सब हमें पकड़ेगा यार। सामान खुलो से,
जितना भी गर्मी तेज होगा तो गर्मियों में ये चीज जरूर इस्तेमाल करो। और जब भी पानी चेंज करेगा तो साथ साथ में ये लाजमी डाल लें। तो गर्मियों में ये काफी काम देते हैं परिंदों के लिए। माशाल्लाह ये बॉक्स में बजिस का जो बच्ची दिया वो भी बाहर निकल गया, और ये बॉक्स में जो दिया था वो भी निकल गया, और इसने तो माशाल्लाह एक बार फिर अंडे दिया। ये देखिए अंडों के ऊपर फीमेल बैठा हुआ है, और ये भी माशाल्लाह बहुत जल्द अंडे देने वाला है। इसने भी बच्ची बढ़ाया, अंडे मेरा ख्याल में अंडे भी दे दिया। इसने भी बच्ची बढ़ाया और वो भी बॉक्स से बाहर निकल गया। ये देखे एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, और एक ये, तीन बच्चे इस तरफ है। ये देखे तीन बच्चे इस तरफ आ गया। और ये बॉक्स में भी माशाल्लाह बच्चे आ गया बजीज का, वो भी दिखाएगा। लेकिन बजीज ये देखे बैठा हुआ है बच्चों के ऊपर। थोड़ा दिखाओ बच्चे, निकल जाओ ना यार, वो बच्चों के ऊपर बैठा हुआ है। और जवा का काम चेक करें, डब के ऊपर बैठा हुआ है, और डब का अंडे एक दफा देखते हैं, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया। अपना बच्चे तो कभी भी नहीं निकालेगा, क्योंकि कितना दफा, चार पांच दफा हो गया इसने अंडे दिया लेकिन बच्चे नहीं निकाला, और इस बार भी अंडे खराब है। ये देखे मेरे को हाथ भी अंडों के लिए नहीं चुटते, अंडे मुझे पता है ये सारा अंडे खराब है इनका। और छोटे काद वाला मुर्गी का जो अंडा मैंने रखा हुआ था, तो ये पता नहीं ये सही है या खराब है। क्योंकि इनका भी टाइम हो गया, टाइम होने वाला है मेरे ख्याल में 18-19 दिन हो गया। तो ये था जी आज के लिए वीडियो, और इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन सबसे पहले सब भाइयों को रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।